एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास वही सीक्वेंस अगेन अगेन चल रहा है। कौन सा वाला? सबसे पहले देखें, ये हमारे पास है विदाउट एक्सपेंशन। विदाउट एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास कोई रो या कोई कॉलम आइडेंटिकल आ जाए तो उनका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा? जीरो। अब हमने इसको आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करनी है, तो हम यहां पे देखें, थर्ड वाले कॉलम में आपके पास क्या है? 1 1 1। यहां पे फर्स्ट वाले कॉलम में क्या है? ए अल्फा बीटा एंड गैमा। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कॉलम 1 में जमा करवाते हैं कॉलम 2 को, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ए प्लस बीटा प्लस गैमा। इधर क्या आ जाएगा? बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फा। इसको आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इधर आ जाएगा बीटा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बाकी एंटिटी सेम सेम। इधर हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा ए प्लस बीटा प्लस गैमा। अंदर हमारे पास क्या आ गया? 1 1 1। इधर क्या आ गया? बीटा प्लस गैमा। इधर क्या आ गया? गैमा प्लस अल्फा। इधर क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा 1 1 1। देखें प्रूव हो गया। हमने क्या बोला था विदाउट एक्सपेंशन में, अगर आपके पास दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, एक जैसे आ जाए, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखें सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 1 2 3 2 3 5 एंड थर्ड वाले कॉलम में क्या है? 3x 6x 9x। बनाना हमने क्या है? देखें अगर हम यहां से 3 3 3 कॉमन लें, अब समझदार के लिए इशारा काफी है, अब आप लोगों ने ये खुद ही करना है। इस वाले क्वेश्चन को देखें, 1 1 1, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। इधर क्या है? ए ओवर बी सी। इधर क्या है? बी ओवर सी ए। इधर क्या है? सी ओवर ए बी। हम क्या करें? यहां पे है ए का स्क्वायर, यहां पे है बी का स्क्वायर, यहां पे है सी का स्क्वायर। यहां पे क्या है? ए की पावर 1, बी की पावर 1 एंड सी की पावर 1। हम ऐसा करते हैं कि हम इस वाली आइडेंटिटी को भी इस कॉलम के इक्वल लाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अब देखें हम ऐसा करते हैं, इस सारे कॉलम को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई करते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम करते हैं ए के साथ, अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। लेकिन ये डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में आपके पास बी सी है, तो हम ऐसा करते हैं इस बी सी को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि ए बी सी को हम ये कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय ए बी सी 2 कॉलम 3। जब हमने कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, लेकिन फिर प्रूफ क्या होगा जी? के लॉ के मुताबिक अगर हम कोई चीज मल्टीप्लाई करवाने तो फिर उसको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, तो हम इस सारे डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड भी करवा देते हैं। तो हम एंड डिवाइडेड बाय 1 ओवर ए बी सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 ओवर ए बी सी। इधर क्या हो गया? 1 1 1। इधर क्या आ गया? ए का स्क्वायर इधर आ गया, बी का स्क्वायर इधर आ गया, हमारे पास सी का स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? फिर ए ओवर बी सी को हमने मल्टीप्लाई करवाया ए बी सी। इधर हमने मल्टीप्लाई करवाया बी ओवर सी ए को मल्टीप्लाई करवाया ए बी सी। और इधर क्या है? सी ओवर ए बी को मल्टीप्लाई करवाया ए बी सी के साथ। ठीक है, अब देखें जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर ए बी सी। तो हमारे पास 1 1 1 इधर आ जाएगा, बी का ए का स्केयर इधर आ जाएगा, बी का स्केयर इधर आ जाएगा, हमारे पास सी का स्केयर। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? बी बी से कैंसिल, सी ए सी ए से कैंसिल। इधर हमारे पास ए बी से कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या रह गया? ए का स्केयर इधर आ गया, हमारे पास बी का स्केयर इधर आ गया, हमारे पास सी का स्केयर। हमने बात की थी विदाउट एक्सपेंशन में, अगर कोई आपके पास दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस मोर चाहिए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।